लीजिए, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है एक गांव में, एक पंचायत में, और यहां पे सड़क का मामला है जो सौली पंचायत है। और यहां पे सड़क को लेकर यहां पे ग्रामीण जनता कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं और इस सड़क के बारे में हकीकत बताना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है, किस तरह का। जी बताइए, क्या कुछ का मामला है बताइए। मामला ये है कि ये 20 अक्टूबर के आसपास इस रोड में, 20 अक्टूबर 2022 को इस रोड में काम स्टार्ट किया गया और आपको 30 अक्टूबर के बाद इसमें काम बंद कर दिया गया। ये रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पेपर पर इसको दिखाया जा रहा है 6/9/2021 को और समाप्ति तिथि दिखाया जा रहा है 5/9/2022 को, लेकिन ये रोड इसी तरह अधूरा पड़ा हुआ है। यानी कि ये रोड मतलब कार्य प्रारंभ की तिथि है 6/9/2021 को और कार्य समाप्ति की तिथि है 5/9/2022 को, यानी कि ये काम मतलब समाप्त हो चुका है काम। ये काम समाप्त हो चुका है लेकिन ये रोड का जब दशा जो है आप देख रहे हैं पहले से ही बदतर स्थिति है इस रोड का। ये रोड जो है नेक्स्ट आपका सादिकपुर वाला रोड में जाके ये जुड़ना चाहिए, अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ है जिससे आने जाने लोगों का सारा चीज का परेशानी बढ़ रहा है। और यहाँ पे पानी निकालने के लिए हम लोग मांग किए कि यहाँ पे आप यहाँ पे एक सीमेंटेड पाइप दीजिए, तो ये इतना दूर छोड़ दिया, मटेरियल भी नहीं बिछाया, छोड़ के इतना ही पे काम अधूरा करके छोड़ दिए हैं। इसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ये कौन सा फंड से हो रहा है पता है? मुख्यमंत्री सड़क योजना है ये। अच्छा, तो ये काम मतलब धरातल पे नहीं हुआ है लेकिन कागज में हो चुका है? कागज में हो चुका है। देखिए मामला आ रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना NDB योजना से ये हो रहा है और सड़क का नाम है जसौली मौजे से रुदल हत्ता ये होते हुए ये सादीपुर जाना था। पथ की लंबाई है 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 किलोमीटर और आधा हो रहा है, आधा हुआ है। और देखिए ये राशि इसका दिखा रहा है 82,586,000 रुपये दिखा रहा है और 5 साल तक रख लगाव की राशि भी मिला हुआ है 16 लाख, यानी कि ये मतलब इसमें रोड बनने के बाद रख रखाव का भी पैसा आता है, रख रखाव के भी पैसा इसमें मिला हुआ है 16 लाख। तो 16 करोड़ है, समथिंग 1 करोड़ रुपया मान लीजिए। तो कहने का मतलब है जो कार्य प्रारंभ तिथि है 6/9/2021 है और कार्य समाप्ति की तिथि है 5/9/2022 और संवेदक का नाम है श्री बच्चा सिंह है, कार्यकारिणी एजेंसी कार्य अभी ग्रामीण कार्य विभाग कार्य परमंडल सीमान वन बिहार राज्य ग्रामीण पथ विकास एजेंसी बिहार सरकार द्वारा संपोषित। तो यहाँ पे एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? या योजना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत आता है जो जसौली खर्ग से होते हुए रुद्रहता गांव होते हुए चला जाता है सादिकपुर ग्राम रोड तक। इसमें समथिंग 1 करोड़ रुपया का योजना है परंतु आज तक यह रोड अपेक्षाकृत रहा, कभी यह बनाया नहीं गया। इसमें GSB यानी पत्थर देना है 100 mm लेकिन दिया है 50 mm, उसके बाद से इसमें कालीकरण भी 20 mm का है, उसमें उसका कोई नहीं है, उसमें नहीं उसका हुआ भी नहीं। सारा लिखा हुआ है कि सड़क पेमेंट करने विवरण ना, हाँ, उसके बाद से तिरछा ढाला तैयार करना है, कैम्बर बनाना है लेकिन सीधा करा दिया गया है, इसलिए इसमें पानी रुकेगा और सड़क टूट जाएगी। इसका कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ है और ये ठेकेदार साहब कहने पर उल्टा ब्लेम लगाते हैं। अधूरा रोड है और पिच करना है, PCC भी करना है, पिच करना है, पिच करना है। इसमें 3.75 mm इसमें देना है इसमें कंक्रीट देना है लेकिन कुछ भी नहीं दिए। सड़क का नाम जसौली मोड़ से रुदला था, पथ की लंबाई है 1500 मीटर, अधूरा है और इसमें जो भी काम हो रहा है सब 2 नंबर का काम हुआ है। इसीलिए आप पत्रकार मधु से कहना है कि यह काम जो है जल्द से जल्द कराया जाए और अच्छा से कराया जाए ताकि यह रोड अच्छा से बने और दो 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 पंचायत को जोड़ता ही है, सादिकपुर पंचायत और जसौली पंचायत को जोड़ता है और यह मुख्य मार्ग से भी इसका NH 531 से लेकर के 87-85 नंबर से जाकर जुड़ता है, 85 नंबर NH में जाकर जुड़ता है। यानी कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो का काम हुआ है धरातल पर नहीं हुआ, धरातल पर नहीं हुआ, कागज पे हो चुका इसमें है, घपला हुआ है कागज, इसलिए लूट माल घुसट हुआ है, इसमें वैसे जनता का परेशानी हो रहा है ना। बरसात का दिन आ रहा है, अब बरसात में तो बहुत लोग परेशानी भी, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। देख लीजिए रोड का हाल, देखिए पहले से और बदतर हो गया है, पूरा 1.5 किलोमीटर यही रोड है, एकदम बिल्कुल एकदम दशा खराब है। सब जनता का हाल पूछ लीजिए किसी से भी, बहुत डिस्टर्ब रहता है। यहाँ के मुखिया कौन है?
यहाँ के मुखिया शैलेश मिथिलेश राम है। क्या कहें, वो अपने उनके तरफ बन रहा है क्या? अब नहीं, वो तो यहाँ पे आए, हाँ यहाँ तो आए हैं। नहीं, स्थिति बहुत खराब है पंचायत में, नल जल का स्थिति 14 जो हम लोग को वार्ड है उसमें एक भी नल जल काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। और इसमें पूछिए कि 5 करोड़ रुपया लगा समथिंग लगा, मुख्यमंत्री निकले हुए हैं उसमें, उसमें हम लोग दिए थे आवेदन। बगल के पंचायत सुपौली में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था और उसी बगल का पंचायत एक जसौली पंचायत है जहाँ पे नल जल योजना भी फेल है, रोड का भी काम फेल है, नाली का भी काम फेल है। और सूबे के मुखिया बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में विकास चल रहा है, पूरे बिहार में हम विकास कर रहे हैं, लेकिन बगल का पंचायत की यह बुरा स्थिति है। तो देखिए, जैसे कि मामला ये आ रहा है कि कल मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा पर निकले हैं, पूरे बिहार जिले में, बिहार के जितने 3800 जिला है भ्रमण कर रहे हैं और अब तक कई जिलों में भ्रमण कर चुके हैं। कल सिवान के सुपौली पंचायत में आए थे, वहीं पे पंचायत में पहुंचते हुए कई ऐसे अपने बातों को प्रस्तुत किया, लेकिन यहाँ पे एक जनता काफ़ी बहरहाल जिंदगी जी रही है। कहना यह है कि बरसात का अभी मौसम स्टार्ट होने वाला है, अभी ठंडे का मौसम चल रहा है, लेकिन ठंडे के बाद जैसे बरसात आता है और बरसात में काफ़ी लोगों को परेशानी होगा। ये जो ग्राम संपर्क जैसा बना हुआ है, जो ये रोड बना हुआ है, कागज़ पर काम दिखाई दे रहा है लेकिन सड़क के लिए देख लीजिए, ये कागज़ पर धरातल पर नहीं दिख रहा है, देखिए मटेरियल तक नहीं है, देख लीजिए ये साइड का है, देख लीजिए साइड का क्या मटेरियल दिया गया है। ये रोड मतलब अभी पीसीसी भी नहीं हुआ है और पिच भी नहीं हुआ है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पीसीसी और फेयर ब्लॉक हो जाता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। 15 दिन में रोड बन गया, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। क्या करना चाहेंगे इस रोड जो बना हुआ है, क्या करना चाहेंगे? रोड बना हुआ है, अधूरा हुआ कार्य है, इसको पूरा किया जाए, क्या कहें, पूरा किया जाए ना। हाँ, धरातल पर दिख रहा है कि नहीं हुआ है, लेकिन कागज़ में दिख रहा है कि हो गया है। कागज़ में तो जानकारी नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन लिखा हुआ है दिख रहा है, कागज़ में जानकारी है, तो बोर्ड लग गया। हाँ, अच्छा, हम रहते नहीं है ना। हाँ, तो जो भी ठेकेदार है कार्य छोड़ के भाग गया, अधूरा कार्य इसको पूरा कराएं। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं जसौली गांव है, जसौली पंचायत है, यहाँ पे जो रोड बना हुआ है काफ़ी अभी कमी है और ये कार्य पूरा भी नहीं हुआ है, जनता काफ़ी आक्रोशित है। देखिए शेयर करें और हमारे मुख्यमंत्री के पास भी ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि जो इसमें सम्मिलित हैं, जो इस तरह के फंड लेके आते हैं, काम करते हैं और सही तरीके से नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता का पैसा लूट घुसूट करके जनता परेशानी में जीवन जीती है। तो आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करेंगे सरकार से और यहाँ के प्रशासन से कि इस रोड पर उचित कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द इस रोड को पूरा किया जाए। चलिए, धन्यवाद।